सुबह सुबह हॉस्टल का सीन ड्यूरिंग एग्जाम टाइम है ना, फुल रिलेटेबल। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज मेरे एग्जाम है, लास्ट एग्जाम, और मैं इतनी थोड़ी इमोशनल फील कर रही हूँ कि मेरा लास्ट एग्जाम है। सो आज का ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट व्हाट आई डू ऑन माय लास्ट डे ऑफ माय एग्जाम, क्योंकि कल मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। दिस सेम वॉज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि ये सेम मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे मेमोरीज बनाए मैंने, बहुत ही इन्जॉय किया। सो अभी मैं रोड पे हूँ, तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी। सो मीट यू आफ्टर द एग्ज़ाम, बाय। इनको देख के अपनी बचपन की याद आ गई। सो क्यूट डॉग, हाय। ऑलमोस्ट रीच माई कॉलेज, कॉलेज के बाहर का सीन देख लो, बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक है। ये है मेरा प्यारा कॉलेज, विल्सन कॉलेज। लंच बॉक्स निकाल के दे, इसने तो खाया भी है। हाँ तुझे पता है, ये ट्रैक पे भी लेकर आया था और मुझे नहीं खिलाया इसने। के बाद भूल जाती है उसने क्या बता ना। ये कितना लिखी लिटरली, यहाँ कौन सा पेपर था ये आज का? Literally? ए, मैंने स्टेप्स बहुत गलत लिखे हैं गाइस। अरे चुप रे भाई, तुम अभी ब्लॉग बंद हो गया, हो गया। मैं ये ब्लॉग डालना चाहती हूं, आज आखिरी दिन है ना, आज की। कैसा गया एग्जाम तेरा? ठीक ठाक। स्टेप्स कैसा गया? स्टेप्स आज लाइक सब्सक्राइब, यस यस, हाय और यस एंड डिलीट और एंजॉय योर लाइफ। वो नहीं, सो जाओ। देखो आज एग्जाम खत्म हुआ है, घर पे जाओ, दो तीन दिन सो जाओ, किसी के फाइनली आ गए कंप्लीट हो गए। यस गाइस, और कल कल साक्षी घर जा रही है रामनवमी वाले दिन। फीचरिंग सिंगर सिद्धि शिंदे, ओ सॉरी सिद्धि कोरे, दिस इज जेस जेसी। सो व्हाट, ही हैज अ वॉशिंग मशीन, यू हैव सम प्रॉब्लम विद दैट? साक्षी सोनी अनबॉक्सिंग वीडियो, आराम से फाड़ दिया पूरा, देखो फाड़ दिया। ये बड़ा इसमें नॉनवेज और वेज कौन सा, कैसे पता चलेगा? तेरी मॉम ने इतने अच्छे से रोल किया है सारी चीजों, गोल शेप वाले वेज है, बाकी के नॉन गोल वेज है। ये दिखाओ ना, प्लीज डिस्क्राइब योर मोमोज। मम्मी मम्मी मैं कुछ नहीं किया, प्लीज डिस्क्राइब योर मोमोज। खा के देख ना, मैं आपको खाने दूंगा, आपको खाने दूंगा, मैं बता नहीं सकती कैसे। ये वेज है, ये वेज है, ये वी आर वेरी पक्का वेज है। भाई प्लीज पहले मेरे को बताओ यार, सब बताओ क्या कैसा लगा मोमोज, नहीं सकते सब मोमोज का रिव्यू दो। साक्षी के व्लॉग के लिए चाहिए, इट्स टू गुड। ये मोमोज खाया, नॉन वेज मोमोज ऐसा है। एंड तो तू क्यों खा रही है बेब? ये वेज है बेब, वी ओनली डू बेस्ट इन इट। बहुत अच्छा है, ये वेज है। सुरेश अपनी शादी में बुलाना भाई, मतलब ठीक है, मतलब तू ऐसे अभी 50-60 साल नहीं शादी करने वाला है, ठीक है? तो ऐसे साल तीन साल के बाद, ग्रेजुएशन के 3 साल के बाद बंदी को शादी करनी है, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। सिद्धि बता रही है कब करेगी शादी, है सिद्धि, यस 15 साल बाद। क्या मेरी शादी हो गई है? चलो चलो, तू सबका बोल रही है, अपना बता। सिद्धि तीन, मैं जब मुझे कोई अच्छा लड़का शादी में डाउन कर दे, बता साल कैसे भी चलेगा, साल 71-25-40 मोकली को बुला रही है। मेरा क्वेश्चन फिर से, हाँ हाँ। तो मैं ना ऐसा कविता और शायरियाँ लिखता हूँ, और हम लोग अच्छा भी रखता है। तो मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, सुनेंगे आप? हाँ। हम लोग अभी ट्रैक पे गए थे ना, तो उधर का गांव जैसा था, तो वहाँ पे मैंने लिखा है 4 लाइन गांव पे लिखा है, वो अच्छा लगेगा फिर और पका देगा अंकल आपको, सुना सुना के आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा ना, ये अंकल को भी सुनाओ। हाँ हट जा भाई तू, नहीं आप फिर हमें बिना कार्ड के एंटर हो गया, लिखो अभी हमें पहचान लो। मैं आईडी कार्ड था,
अरे अंकल हमें पहचान लो, मैं भी कविता लिख दूंगा। आप लोगों पे मीम्स बन रही है, आप लोगों को पता है कि हम सुबह सुबह किसी और कॉलेज में क्यों जाएंगे? आईडी कार्ड लेके जाओ, ले सुना तो शायरी, तू शायरी सुना भाई, शायरी नहीं है तो चार लाइन है। अरे सुना भाई, वो गाओ गए थे ना, देखो वो लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, तुम सुना। पानी लेके आते थे दूर से, अच्छा हिंदी में कहा ऐसा लिखा था कि तुम्हारी जिंदगी से जो तुम्हें खेल है, तो गाओ की गलियों में, पेड़ों की छाँव में, पौधों के रंगों में, मैदान में खेलते बच्चों में, और छह कोस दूर पानी लाने चलने जाने वाली महिलाओं के पैरों की छालों में, पर्यावरण की बहाव में आते अपने खेत से पूछो कि क्या वो खेत है या तुम्हारे मन का खेत है। अंकल को मीनिंग अच्छे से समझ आया। एक और सुना था, क्रिंज है, खराब है। हाँ सुना सुना। तुम ना आई तुम्हारी शायरी आ गई, ओहो भाई तुम्हारी सामने डायरी आ गई, लिखने बैठा तुम्हारा नाम तुम्हारी यादें, खुशी के पलों से पहले तेरे नाम लेके तन्हाई आ गई। ओहो सेट कर दिया तूने भाई, लिखते लिखते मौत आएगी मर जाऊंगा, ओहो लिखते लिखते मौत आएगी मर जाऊंगा, लेकर अपने कब्र में सिर्फ कलम जाऊंगा, सीधी बातें करना मुझको आती है पर मौत पर एक दो शेर लिख कर जाऊं। वाह वाह ये हुई ना बात, दैट इज द स्पेस। वो अंकल थोड़े ट्रॉमेटाइज लग रहे हैं पर कोई बात नहीं, अंकल थोड़ा डिवेल काम कर रहे हैं ना, चलिए अंकल ठीक है, ठीक है अंकल, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हां बाय बाय अंकल, दो महीने बाद अब हम आएंगे। चलो चलो गाइज, इट एंडेड ऑन अ गुड नोट, फाइनली ट्रूथ एंड डेयर का भी अच्छी एंडिंग हो गई। यस अंकल नाम क्या है, अब हम याद रहेंगे, बाय। ये दो बिल्लियां लड़ाई कर रही है, ये चाहिए देखा कैसे कैसे लड़कियों का चेस, हाँ चेस ऐसे चेस मैच, मतलब शायरी लिखता है लड़कियों के ऊपर, ठीक है। हाँ तुम चांद हो मैं तुम्हारी चांदी, ऐसे आगे मुझे ऐसे मेरे सारे ब्रेसलेट चुरा के चल जाता है। ये श्रेष की मॉम को जाएगा ये वीडियो, ये है उसकी, ये है उसकी असलियत, उसका। हाँ गाइस वो देखो देखो ये सिद्धि की चोरी कर रखी है उसने, ब्रेसलेट और वो दे नहीं रहा है, कॉलेज से आ गई हूँ, लाइक लिटरली मैं कॉलेज में दो तीन घंटे चार घंटे रुक गई फ्रेंड्स के साथ, बहुत मज़ा आया। अभी मुझे अपनी सारी पैकिंग करनी